हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैं अपनी बाइक की चाबी कहीं पर रख देता हूं और फिर भूल जाता हूं कि मेरी बाइक की चाबी कहां पे है, और फिर मैं उसको ढूंढता रहता हूं और कई बार वो बहुत ही मुश्किल में हमको मिलती है। दोस्तों, मेरे साथ में ऐसा होता है कि आपके सामने ऐसा कभी होता है कि आपने अपनी बाइक या आपकी कार की चाबी कहीं पर रख दी है और फिर आप उसको ढूंढते रहते हैं और परेशान होते हैं कि कहाँ है आपकी चाबी, आपकी की आपकी कहाँ पर चली गई। दोस्तों, यदि आप भी आपके साथ भी ऐसा होता है और आपको यदि ऐसा की ढूंढने में तकलीफ होती है, आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, दोस्तों इसके सोल्यूशन के लिए मैंने मंगवाया है यहाँ पर एक की फाइंडर। दोस्तों, ये एक की फाइंडर है और इसी की मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और यदि आप भी इस तरीके से भूल जाते हैं अपनी चाबी कहीं पर रख के, तो हो सकता है कि ये की फाइंडर आपके लिए भी काफ़ी काम आ सकता है। रेडियो से करते हैं इसको अनबॉक्स और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ये वो की फाइंडर। तो चलिए हम करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि कैसा है ये। और मैं करता हूँ इसके रैपर को अलग और इसके अंदर हमको देखने को मिलता है ये रहा वो की फाइंडर और ये है इसका कुछ वही ऑर्डर नंबर और कुछ पेपर। और दोस्तों, ये देखिए आप यहाँ पे ये की फाइंडर छोटे से रैपर के अंदर रखा हुआ है। चलिए निकालते हैं हम इस की फाइंडर को बाहर और देखते हैं किस टाइप का है ये और किस तरीके से ये वर्क करता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये की फाइंडर है मेरा यहाँ पे ब्लू कलर का और यहाँ पे ये है इसका कुछ मैनुअल, जिसको देख के हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसको हम वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसको हम ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही इसमें आप लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे ये की फाइंडर है उसकी आप लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए इसमें हमको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, हम इसको ऐप को भी डाउनलोड करेंगे और देखते हैं कैसे वर्क करता है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ब्लू कलर का हमारे पास की फाइंडर, जिसमें दोस्तों यहाँ पर है ये बटन। देखते हैं इसको ऑन करके, ये दोस्तों ऑन तो नहीं हुआ है शायद यहाँ पर। हाँ, ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर बैटरी किस टाइप से है। और यह दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। इसको भी हम निकालते हैं बाहर और अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉलीथीन लगी हुई है, कागज़ लगा हुआ है। इसको आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए ऑन नहीं हो रहा था। अब दोस्तों हम देखते हैं इसको ऑन करके, और ये मैंने लगाई यहाँ पर इसका सेल। यहाँ पे इसे कंपार्टमेंट हम करते हैं बंद। इस तरीके से होगा, इसके यहाँ पे वो ये जो सेल है ये है दोस्तों 3 वोल्ट का, और इसको लगाते हैं हम और इसको घुमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैटरी हमारी बंद हो चुकी है। हम इसको की को प्रेस करके देखते हैं ऑन होता है या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हुई है और एक साउंड भी आया है, कि मतलब ये ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए हम करते हैं इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। दोस्तों, इसकी फाइंडर को यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं प्ले स्टोर पर और वहाँ से करते हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड। यहाँ पर हमको दोस्तों सर्च बार में हमको लिखना पड़ेगा FIND फाइंड ELFI। दोस्तों, ऐसा लिखने के बाद आप देखना सबसे ऊपर यहाँ पर आपका ऐप आ जाएगा, उसको आप टच कीजिए और कर लेते हैं हम इसको इंस्टॉल। दोस्तों, यहाँ पर ये 7.4 MB का है, करते हैं एक्सेप्ट और आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। और ये लगभग एक से दो सेकंड में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, ये हो गया है इंस्टॉल, अब करते हैं इसको ओपन। दोस्तों, ओपन जैसे ही मैंने किया, यहाँ पर आप देखते हैं टाइप इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद अब ये ऐप यहाँ पर ओपन हो रहा है। और वैसे टाइम ले रहा है काफ़ी, वेट करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। और उसने यहाँ पर परमिशन मांगता है ब्लूटूथ की, तो चलिए हम यहाँ पर इसको करते हैं अलाउ और हम करते हैं हमारे की फाइंडर को ऑन। यहाँ पर मैंने उसी बटन को प्रेस किया और आपको साउंड आया होगा यहाँ पे, और मेरा ये जो डिवाइस है ये ऑन हो चुका है। चलिए हम करते हैं इसको सर्च और यहाँ पे हमको, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई टेक नाम से यहाँ पर एक इसको फाइंड हुआ है।
इसको हम करते हैं कनेक्ट, और यहाँ पर ये हमारा कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब आप अपने की, इस की को कहीं पर रख देते हैं, इस की फाइंडर को भी कहीं पर रख देते हैं, तो आप इस पर अलार्म पे क्लिक करेंगे। अब इस टाइप का अलार्म आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप इजीली इसको कहीं पे भी यदि आपका रहेगा तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। और स्टॉप करने पर दोस्तों आपको स्टॉप हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे है कैमरा का ऑप्शन। जब आप कैमरा पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसकी बटन को प्रेस करके यहाँ पर कोई भी एक फोटो को यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे साइड में देखेंगे आप लोकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं आपका जहाँ पर भी डिवाइस रखा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लोकेशन आती है कि नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट तो दे रहा है हमारे इस डिवाइस का, और मैप को शायद यहाँ पर लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दोस्तों वैसे यहाँ पर आप मैप के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हैं। और दोस्तों इस साइड में यहाँ पे दिया हुआ है सेटिंग, सेटिंग को यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, मैप स्विच, यहाँ पे गूगल मैप, और ये बायडू मैप हम गूगल मैप पे टिक कर देते हैं। और यहाँ पे रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। इसको प्रेस करते हैं तो ये तो ऐप ही यहाँ पर ओपन करते हैं दोबारा से, फिर यहाँ पर करते हैं दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो सकती है। और चलिए दोस्तों इसको करते हैं बैक। हम ये डिसकनेक्ट हो गया था, इसको मैंने कनेक्ट किया क्योंकि अब यहाँ पे रीओपन हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे ये वर्जन दिया है 1.0.3, और यहाँ पे दोस्तों कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है। वैसे यहाँ पर जैसे दोस्तों मैं मैप पर क्लिक किया और ये डिवाइस कनेक्टेड है, जी हाँ कनेक्टेड है दोस्तों। मैप यहाँ पे लोड होने में हो सकता है मे भी थोड़ा सा टाइम लगे। तो दोस्तों वैसे ही कुल मिला के थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे लगा। और सबसे अच्छा तो ये कि यदि आप किसी एक कमरे में रख के भूल जाते हैं अपने बेड के नहीं, बेड पर या फिर कहीं पर भी, जहाँ पर आपके कहीं पर भी मान लो आपको नहीं मिलता है की यहाँ आपकी की, तो आप यहाँ पर अलार्म पे क्लिक करके इस तरीके से आप उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉस्ट हिस्ट्री का ऑप्शन भी है, लॉस्ट हिस्ट्री पे करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे आपको बता देगा रिसेंटली ये आपका डिवाइस कहाँ पे था। तो चलिए दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे लगता है। जैसा कि देखा आपने किस तरीके से ये की फाइंडर वर्क करता है दोस्तों, हम ब्लूटूथ के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही इसको मोबाइल से कनेक्ट करके जीपीएस के थ्रू भी यहाँ पर इसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं दोस्तों। वैसे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे है जिसका कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसको अपनी की में लगा लिया, अपनी बाइक की निशान लगा लिया है, और दोस्तों अब मुझे शायद परेशानी नहीं होगी अब यदि मैं की वहीं पर रख देता हूँ तो उसको ढूंढने में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको परचेस किया पेटीएम मॉल से। यदि आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है लगभग 237 के समथिंग, और मुझे कुछ कैशबैक मिला है ऑलमोस्ट 167 रुपीज़ का, और मेरा जो इफेक्टिव प्राइस है वो यहाँ पर पहुँचे लगभग 112 रुपये का ये की फाइंडर पड़ा है दोस्तों। यदि आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे ही दी है, आप वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साइड में बेल आइकन उसको दबा दीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।